नमस्कार दोस्तों, ये जुड़े रोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, एलोपेशिया एरियाटा यानी कि जो हमारा चाई होता है या फिर इसको बाल जड़ भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो ये वाला पार्ट था, यहाँ का जो बाल है वो नहीं थे, आपके बाल जो है वो गए थे। और यहाँ पर भी एक ये वाला एरिया भी थोड़ा सा आपको ठीक ठाक लग रहा होगा, ये वाला एरिया भी यहाँ पर भी बाल बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो इसका मैंने जो उपाय था वो ट्राई किया, आयुर्वेदिक उपाय जो कि बाल खुर्रा मरहम या फिर जिसे आप जमाल गोटा ऑयल यूज़ करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आई बटन पे भी आ जाएगा, तो वो वीडियो पे आप देख सकते कि कैसे लगाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आगे भी जो बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक है वो भी आगे लगाने वाला हूँ, तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट रहता है। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसको बस एक डेढ़ हफ्ता ही लगाया था, हर 2 दिन के अंतराल के बाद, लेकिन फिर भी मेरा जो बाल है वो आ चुके हैं। काम की वजह से मैंने ज़्यादा लगाया नहीं था, तो यहाँ पे कम मात्रा में आपको लगाना है ऑयल या फिर बाल खुर्रा मरहम दोनों मिक्स करके यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे भी आपके बाल गए होते हैं वहाँ पे लगाना होता है। तो इसका जो इफेक्ट है या फिर रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो पोस्ट करूँ। मैं कुछ काम में था, इसके वजह से पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो बाल है वो काफ़ी अच्छे से आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं कंपैरिजन जो है वो अगले वाले सेक्शन में दिखा दूंगा फोटोज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वीडियो जो है पूरा देखना है आपको, विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रीवियस जो फोटो है जहाँ पे मेरे बाल गए हुए हैं। यहाँ पे बाल देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो चला गया है, बाल जड़ हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी हिस्सा जो है वो, यहाँ के पूरे बाल जो है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो मलम और बाल खुर्रा का मलम और ऑयल जो है जमाल गोटा का वो लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने एक हफ्ता ही लगाया जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े बाल जो है वो सफ़ेद छोटे छोटे आने शुरू हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल्ड फ़ोटो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा लग सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला साइड प्रोफाइल वाला जो पिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बालों की जो हमारी जड़ है वो आ चुके हैं यहाँ पे, और वाइट में आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआती बाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये वाला एरिया अभी उठ के दिख रहा है बालों की वजह से, सफ़ेद बालों की वजह से। ठीक है, वो कच्चे बाल है अभी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो मेरे बालों का हाल हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो अब वापस से रिकवर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल जो है वो काले भी हो चुके हैं। ठीक है, मैं साइड वाला दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा बाल गया था, वो अभी धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे लगभग 50% जो है वो बाल आ चुके हैं, वो भी काले बाल आ चुके हैं। अभी पहले जैसे मैंने बताया था सफ़ेद बाल थे, तो यहाँ पे अब काले बाल हो चुके हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने बस डेढ़ जो है हफ्ता ही लगाया था, लेकिन आप सोचिए अगर आप अपने रेगुलर इंटरवल के साथ लगाते हैं, 2 दिन बाद, हर दिन 2 दिन बाद रेगुलरली लगाते हैं, एक 15 दिन या 20 दिन, तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो ये जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, मैंने कहा जो था वो यहाँ पे हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है रिज़ल्ट, और नतीजे आपके सामने है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जमाल गोटा ऑयल और बाल खुर्रा मरहम जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई आयुर्वेदिक शॉप होती है आसपास तो उससे भी आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आपको मैं इसका लिंक जो है वो ऑयल का और बाल खुर्रा मरहम का वो आपको मैं प्रोवाइड कर लूँगा, आप उससे ऑर्डर भी कर सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ चुका है, यह वाला पार्ट जो है वो हमारा वापस आ चुका है, और दूसरा वाला भी यहाँ पे लगभग रिकवर हो रहा है, और धीरे धीरे ये सब
रिकवर होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है मैंने बस 1.5 हफ्ते से भी कम में पूरा करा है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है बाल झड़ की, या फिर चाई बोलते इसको, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते मुझे नहीं पता, जिसको भी प्रॉब्लम है ये एक बार ज़रूर ट्राई करें जमाल गोटा ऑयल और बाल खुर्रा मरहम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।